Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today our subject is English. हम लोगों ने अभी अब तक क्या किया है English में जो exam preparation के reason है वो कर रहे हैं हम लोग जो preparation में जो first question है वो हम लोगों ने कर लिया है. आज हम लोग next question पे जाएंगे. Okay? मैंने practice में ऐसे three question दिए हैं. First ये है, second और दो है. ठीक है? तो मैं आपको first जो question है वो दिखा रही हूँ. बाकी के तो आपको खुद करने हैं. नेक्स्ट जो मैजिक है वो भी आज करेंगे. सबसे पहले आपको याद तो होगा यहाँ पे क्या करना है. बिकॉज प्रॉपर थ्री और फोर टाइप्स ने रिविजन कर लिया है. ऑनलाइन लेक्चर में भी रिविजन किया है. अभी आपको ये आना ही चाहिए कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करना है. ओके, फिर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. ओके, आपको जो ये फर्स्ट पेपर है फिर उसके बाद लाइन में ये दो पेपर है उसके बाद ब्लैंक लाइन में. तो क्या करना है, जो ब्लैंक लाइन है वहाँ पे आपको जो लेटर करना है वो लिखना है. तो हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट लेटर ए फॉर एप्पल. एंड बीच लेटर कम्स आफ्टर ए. कौन सा लेटर आता है ए के बाद? बी. देन वी हैव टू राइट हियर लेटर बी. बी फॉर बॉल. बी के बाद सी. एंड बी देन बी फॉर डॉग. एंड व्हाट कम्स आफ्टर डी? डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई. ई फॉर elephant. Then F for fish. And which letter comes after F? Answer letter after F के बाद G. Then we have to write G. G ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों राइट है. ओके, G के बाद H for horse. And then which letter? I. H के बाद I letter आता है. ओके, I for igloo. I for inkpot. And then next J. J for jug. J for jar. Then after K. K के बाद कौन सा लेटर आता है? Which letter comes? L. M for lion. Then M for monkey. M after M for nose. M for nurse. M के बाद फिर से ब्लैंक लाइन है. After that, कौन सा लेटर आता है इसके बाद? O. O for orange. O for orange. O after P. And which letter comes after P? Q. Q for quills. Q for queen. Q after R. R के बाद कौन सा लेटर है? S. And which letter comes after S? T. T for telephone. T for tiger. T after U. And U after B for violin. Okay? And which letter comes after D? W. W for watermelon. Okay? And then X. X for xylophone. X for Christmas tree. X after Y. Y for yellow. Y for yellow color. And then last Z for zebra. है ना इसी क्वेश्चन को ये आपको अच्छे से खुद से घर पे करना है. वीडियो देख के दो क्वेश्चन और है वो आपको खुद करना है. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ओके, वो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट में दिखाऊंगी. ये हमारी प्रैक्टिस शीट है, उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया और मैंने आपको ये भी दिखा दिया. ओके, ये दो क्वेश्चन आपको खुद करना है. ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी आफ्टर डी, डी आफ्टर ई, ई आफ्टर एफ, ऐसे सारे लेटर्स आपको लिखने हैं. ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. मैच द फॉलोइंग लेटर विद पिक्चर. वी हैव ऑलरेडी डन द रिविजन. ओके, हम लोगों ने बहुत बार ये रिविजन कर लिया है लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिस शीट में करेंगे. ओके, ऑनलाइन लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत बार सीखा है. फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, यहाँ पे जो लेटर्स है उसको पिक्चर से उसको लेटर्स के साथ मैच करना है. ओके, या फिर लेटर्स रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग पिक्चर पे भी आप मैचिंग कर सकते हो. फर्स्ट पिक्चर है ऑरेंज. ओ फॉर ऑरेंज. ओ फॉर ऑरेंज. देन वी हैव टू फाइंड आउट ओ लेटर. ओके, एंड देन मैच. वो कहाँ पे है? ये रहा, तो हमें वो के साथ ऑरेंज को
मैच करना है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज नोज, एंड फॉर नोज देन वी हैव टू फाइंड आउट एंड लेटर. लेटर एंड वेयर इज एंड लेटर? हियर. देन वी हैव टू मैच एंड फॉर नोज विथ एंड. ओके, नेक्स्ट मैंगो, एम फॉर मैंगो. फर्स्ट लेटर ही एम है तो हमें एम को मैंगो के साथ मैच करना है. फिर देखो यहाँ पे पेट एनिमल है, कौन सा पेट एनिमल? रैबिट. आर फॉर रैबिट. देन वी हैव टू फाइंड आउट लेटर आर. वेयर इज लेटर आर? कैन यू रिकॉग्नाइज इजिली? यस. अब तो हमें सारे लेटर्स आते हैं, है ना, तो फिर ये क्या है? आर. तो हमें आर को रैबिट के साथ ऐसे मैच कर देना है. एन आईजी. नेक्स्ट क्वीन, क्यू फॉर क्वीन. देन वी हैव टू फाइंड आउट क्यू लेटर. देखो ये रहा, है ना, तो क्यू को ऐसे मैच कर देना है. फिर ये क्या है जिसे मैं लिख रही हूँ? ये क्या है? पेंसिल. पी फॉर पेंसिल. तो हमें कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है? पी. वेयर इज पी? हियर. देन वी हैव टू मैच लेटर पी टू विथ पेंसिल. नाउ नेक्स्ट वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच. डब्ल्यू फॉर वॉच. वेयर इज डब्ल्यू? कहाँ पे है? हियर. देन वी हैव टू मैच डब्ल्यू विथ वॉच. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज सन, एस फॉर सन. एस फॉर सन. वेयर इज एस? हियर. तो हमें एस को सन के साथ ऐसे मैच कर देना है, है ना. इसी, अब तो आपको सारे लेटर्स आ रहे हैं, सारे पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करना आ रहा है, तो आपको ये अच्छा से करना होगा और आपको मज़ा भी आएगा. ओके, मैच करने में. ये कौन सा पिक्चर है? अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला. देन वी हैव फाइंड आउट यू. हियर इट इज यू. यू फॉर अम्ब्रेला. नाउ नेक्स्ट टाइगर, अवर नेशनल एनिमल टाइगर. टी फॉर टाइगर. वेयर इज टी? ये सारे मैच हो चुके हैं, अभी ये रहा टी. तो हमें ऐसे मैच कर देना है. ये क्या है? एक्स मिस्ट्री. एक्स फॉर एक्स मिस्ट्री. वेयर इज एक्स? हियर. देन वी हैव टू मैच विथ एक्स. एंड विच पिक्चर इज दिस? याट. वाई फॉर याट. वेयर इज वाई? हियर. Then we have to match Y with yet. Which picture is this? When. Before when. Where is V? Here. Then we have to match. Last but last Z. Z for zebra. Z को zebra के साथ ऐसे match करना है ना. इजी, तो आपको घर पर practice करनी है. practice इतने फिर ये जो दिखाया है अभी मैंने, ये भी आपको कर देना है, है ना. ये मैंने बोर्ड पे दिखाया है, इस तरह से ये भी करना है. फिर ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, ई के बाद एफ, है ना. इसी, तो आपको ये सब खुद से घर पे करना है. ओके, थैंक यू.